पार्टी है, गेस्ट आ रहे हैं और आज कुकिंग का शो ऑफ करना है, या आपका ही मन कर रहा है कुछ सफ़ेद सा डेलिकेट सा चिकन पराठे या नान के साथ खाने का, या फिर सुहानी शाम है, एक दो ड्रिंक्स लगाने का मन है और कुछ चखना चाहिए, तो अरे बाजार से मंगवा लो यार। अरे जस्ट जोकिंग गाइस, मैं हूं ना, 400-500 रुपए खर्च करके अनहाइजीनिक खाना इतना सा जो तुम्हारी दाढ़ में अटक जाए, मंगवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भाई तो सबका ही धंधा बंद करवा दे। अच्छा शेफ साहब आप बताओ, आप खुद बाजार से स्विगी जोमेटो से मंगवाते हो या आप खुद रोज नई नई चीजें बना के उनके मजे लेते हो? ओके ना टाइटा फेस, अब आप है ना शांत रहो। और आप लोग, हाँ हाँ भाई आप, अगर आपने मेरा पिछला वाला ज्ञानवर्धन वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 10 तरह की ब्लॉकबस्टर चिकन करी बनाना सीखा है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो अगर आप कोई भी रेसिपी चैनल देखोगे जिसमें आप वाइट चिकन करी सीखोगे तो आपको वही काजू खसखस वाला कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बताया जाएगा, बट पहले आप सिंपल तो सीख लो यार। ये सिंपल वाली ज़्यादा मज़ेदार है, बताओ क्यों? क्योंकि वो सिंपल है यार। तो बच्चों हमेशा की तरह से हमारी डिश के आज पहले देखेंगे कंपोनेंट्स, बट पहले वो सुनोगे क्या अपना ढिंचक वाला इंट्रो? क्या आप सच में कुकिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप रेसिपी के वीडियो देख देख के परेशान हो चुके हैं? क्या आपके घर वाले आपके हाथ का खाना खा खा के बोर हो चुके हैं? क्या आप खुद अपने हाथ का खाना खा खा के बोर हो चुके हैं? क्या आप बैचलर हैं, पढ़ाई की या नौकरी की वजह से आप अपने घर से बाहर रहते हैं और अपनी माँ के हाथ के खाने से महरूम हैं? महरूम मतलब मिस करना। और बाहर का खाना खा खा के आपका पेट भारी, आपकी जेब हल्की और आपकी हेल्थ की वाट लग चुकी है? तो आई आएला। तो बच्चों आज की पहली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और हमेशा की तरह से मैंने इक्वल क्वांटिटी के मसाले डाले हैं सारी डिशेस के अंदर, जिनकी लिस्ट मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हमारा स्पेशल चमचा, आधा से 3/4 के आसपास रिफाइंड ऑयल, 1/4 चम्मच राई, आधा चम्मच साबुत धनिया, 8-10 करी पत्ता, और थोड़ा बच के रहें भैया ये बॉम्ब की तरह उछलेगा। फिर थोड़े गर्म मसाले, 5-6 साबुत लाल मिर्च बीच में से काट के, और आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं है तो बीच हटा दीजिएगा। फिर बंदी आंच पे इनको 30-40 सेकंड भून लीजिएगा, तेज़ पेज भूनेंगे तो ये जल जाएगा। अब 3-4 बारीक कटा हुआ प्याज और 1-1.5 चम्मच कुटा हुआ लहसुन और अदरक। अब 2-3 मिनट इनको बंदी आंच पे भूनें। आइला ये क्या मैजिक, दो दो कढ़ाई? अरे मजाक कर रहा हूँ, ये हमारी सेकंड प्रिपरेशन, सेम बट डिफरेंट। इसमें हमने राई धनिया करी पत्ता नहीं डाला है जो हमारी पहली प्रिपरेशन को साउथ इंडियन फ्लेवर्स देगा, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम है। अब सेकेंड वाली प्रिपरेशन में मैं कसूरी मेथी डाल रहा हूँ, वही याद है ना दुश्मन की तरह मसल के, और दोनों में 2-2 चम्मच दही, और दही वाली प्रोटिप याद है ना, हमेशा मंदी आंच पे और डालते ही मिक्स करना है। और 5-7 मिनट मंदी आंच में तबीयत से भूनने के बाद में इसमें हम डालेंगे चिकन। मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है क्योंकि दिस इज़ सुपर हाई इन प्रोटीन। आपको पता है 100 ग्राम में 28-30 ग्राम यानी 28-30 ग्राम प्रोटीन होता है, कैन यू बिलीव इट? आप जितने मुस्टंडे देखते हो ना जिम में जाते हुए, उनमें से ज़्यादातर रोज 100-500 ग्राम सिर्फ चिकन ब्रेस्ट खाते हैं। इट्स द चीपेस्ट एंड ईजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। ये तो हेल्थ का चैनल लग रहा है। अरे आप बोन वाला डालो ना, मैं तो कभी चिकन ब्रेस्ट कभी बोन वाला, और जब सिर्फ टंगड़ी चबानी होती है तो सिर्फ लेग पीस डालता हूँ, और लोगों को नया नया नाम बता के खिलाता हूँ, कभी क्रीमी ड्रमस्टिक्स बोलता हूँ, कभी मावा चिकन लेग, चिकन कुल्फी। अब आप भी धीरे धीरे समझ गए होंगे कि मैं आपको इस चैनल पर क्या सिखाना चाहता हूँ। अभी 3 प्रिपरेशन देख रहे हो, 10 छोड़ो 15-20 रेसिपी बनाना सीख जाओगे। ड्रामा, चलो ड्रामा ही सही, अब काम की बात करते हैं। आप चिकन ब्रेस्ट को होल यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्रिस क्रॉस डीप कट लगा लीजिए जैसे मैंने लगाए हैं, देखिए कैसा पाइनएप्पल जैसा लग रहा है, या आप इसके बोनलेस क्यूब्स निकाल सकते हैं जो मैं आपको थर्ड रेसिपी में दिखाऊंगा। और चलिए जब तक ये चिकन को हम मिक्स कर रहे हैं तब तक आपको एक बहुत शानदार प्रोटिप बताता हूँ। मैं हमेशा चिकन को, स्पेशली चिकन ब्रेस्ट को 1-10 दिन तक फ्रीजर में रखने के बाद ही इस्तेमाल करता हूँ। हैं मतलब फ्रेश यूज़ नहीं करता? मैं जानता था आप टांग जरूर अड़ाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि आज चिकन सॉफ्ट बनाने के सारे राज खुल रहे हैं। खैर आप मेरी बात पे ध्यान दो, फ्रीज करने से चिकन ब्रेस्ट के सारे प्रोटीन फाइबर्स टूट जाते हैं जिससे चिकन बहुत सॉफ्ट बनता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि चिकन ब्रेस्ट बहुत च्यूई होता है, अब क्या सब कुछ बक देगा? देखो देखो ये तो बौखला गए, एक्चुअली ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताना चाहता। इसके दो रीजंस हैं, पहला क्योंकि ये तो सीक्रेट है, दूसरा भले हम बाहर जाके पुरातन काल से फ्रिज में रखा हुआ पुराना बासी खाना खा के चुप रहते हैं, लेकिन बाहर आके फिर फ्रेश का डंका बजाते हैं। बच्चों फ्रीज़र में आप चिकन को जितना चाहे लंबे समय के लिए रख सकते हो, अब साल भर मत रख लेना। मैं आपको सही तरीका बताता हूँ,
चिकन को घर लाते ही एज इट इज पॉलिथीन में फ्रीजर में डाल दीजिए। जब भी बनाना हो तो 2-3 घंटा पहले फ्रीजर से निकाल के पानी में डाल दें और फिर अच्छे से साफ करके जो मर्जी हो बनाएं, हमेशा सुपर सॉफ्ट मलाई जैसा बनेगा। बच्चों बहुत हो गया ज्ञान, फिर से कुकिंग शुरू करते हैं। अब दोनों में 1-1 चम्मच नमक मिला लेंगे और चिकन थोड़ा उलट पलट कर लेंगे। फिर दोनों को सेंटर में रख के मसालों को मिक्स कर लेंगे और अगर मसाला ड्राई लगने लगे तो 1-2 चम्मच या 1-2 ढक्कन पानी आप ऐड कर सकते हो। फिर आप दोनों को मंदी आंच पे रख के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। चलिए थोड़ा चेस खेलते हैं। हैं, अबे दिमाग चल गया है क्या? चेस? शेफ साहब देखो, ये चाल इधर, ये चाल उधर और ये आया हाथी, मतलब कुकर। अब इसमें भी 3/4 चौथाई चमचा तेल, थोड़ा गरम मसाला, 5-7 लाल मिर्च, गिव इट अ गुड टॉस और हमेशा वाला ट्विस्ट फिर से। अब की बार मैं लूँगा प्याज, लहसुन, अदरक और मेरी फेवरेट हरी मिर्ची का पेस्ट। अब आपको जल्दी हो तो तेज आंच पे भून लीजिए और फालतू हो तो धीमी आंच पे 10-15 मिनट तक। फिर 1 चम्मच नमक, कसूरी मेथी दुश्मन की तरह मसल के, 2-3 चम्मच दही मिला के भूनते रहिए 5 मिनट तक। अब ये देखिए शानदार भुनाई का असर। और एक और ट्विस्ट, अब हम इसमें चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले वाले दोनों प्रिपरेशन की तरह आप होल चिकन डाल सकते हैं। अब आप इनको बढ़िया से मिक्स करें। चलिए अब अपने साउथ इंडियन फ्लेवर वाले चिकन को चेक कर लेते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। अभी इसको अपन फाइनल खुरचन देते हैं। ये रेडी हो चुका है। अब इसमें 100 ml कोकोनट मिल्क, जिस भी ब्रांड का आपको पसंद हो, मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और लगे हाथ दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। वाओ, ये भी ब्यूटीफुल लग रहा है यार। अभी इसमें हम 100 ml क्रीम डाल लेते हैं और इसमें आपको फाइनली मलाई टिक्का का फ्लेवर आएगा। अगेन इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर दोनों में 1 बड़ी या 2-3 छोटी चम्मच पानी डाल लें अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो, और फिर इनको दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलो फिर से चेस खेलते हैं। ये गया हाथी पीछे, घोड़ा आगे। और इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चिकन को मिक्स कर लेते हैं और फिर बाकी दोनों प्रिपरेशंस को ढक के 8-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहें तो 5 मिनट बाद ढक्कन हटा के देख सकते हैं। आपको सूखा सा लगे या आपको थोड़ा ग्रेवी एक्स्ट्रा चाहिए हो तो थोड़ा पानी ऐड कर देना, ज़्यादा मत करना वरना फ्लेवर्स बिल्कुल दब जाएंगे। अभी हाथी कुकर वाले चिकन में मैंने 50-50 ml कोकोनट मिल्क और क्रीम दोनों को मिला दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2 सीटी लगा लीजिए, वही 1 तेज आंच पे और 1 धीमी आंच पे। और 2 सीटी के बाद में ये रहा हमारा तीसरा लाजवाब चिकन। अब करेंगे इनकी सर्विंग, पर पहले ये देखिए, हम सब शायद इस खुशी के लिए मेहनत करते हैं और पैसे के लिए भी। एंड फाइनली इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। अब लाइक करो तो आपकी मर्ज़ी, ना करो तो भी आपकी मर्ज़ी, पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या सीखना है। एंटी शेफ हाजिर है, पर एक्सपेरिमेंट करना कभी मत छोड़िएगा। क्रीम की जगह कोकोनट मिल्क, कुछ नहीं हो तो कसम से दूध और मलाई डाल देना। कटे प्याज की जगह पिसा, पिसे की जगह कटा, चिकन की जगह पनीर और कटे प्याज के साथ मशरूम डाल देना। सीधे इटली ना पहुंच जाओ तो बताना। और 10 तरह की चिकन करी का ब्लॉकबस्टर वीडियो ये रहा, ज़रूर देख लेना। अभी के लिए जय हिंद।